हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीरीज व्हाट इफ को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के शो में हम अपने फेवरेट एवेंजर्स की अल्टरनेटिव स्टोरी लाइन देखेंगे। लोकी सीजन फिनाले में एमसीयू में ऑफिशियल मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मल्टीवर्स यूनिवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और वॉचर हमें इन्हीं अल्टरनेटिव टाइमलाइन वाले इवेंट्स की कहानियां सुनाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। एपिसोड 1, What if Captain Carter were the first Avenger? इस alternative universe में Project Rebirth तक सब सही चला था। Howard Stark, Steve Rogers को Super Soldier Serum देकर first Avenger बनाने वाले थे, पर तभी Peggy Carter की एक choice की वजह से यहाँ सब कुछ change हो गया। Steve पर जब Project Rebirth वाला experiment चला था, तब Peggy ने booth में जाने के बजाय वहीं Steve के पास खड़े रहने का decision लिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रा एजेंट ने लैब में एक्सप्लोजन करके डॉक्टर अब्राहम को मार दिया। स्टीव अपने वेसल से बाहर निकलकर उस एजेंट से लड़ने चला गया, लेकिन फिर उस एजेंट ने उसे गोली मारकर इंजर्ड कर दिया। स्टीव रॉजर्स को जख्मी करके वो एजेंट सुपर सोल्जर सीरम चुराकर भागने वाला था, पर तभी पेगी कार्टर ने उसे रोक लिया। अब हार्वर्ड स्टार्क कहता है कि अगर प्रोजेक्ट रीबर्ट को बचाना है तो किसी ना किसी को वेसल के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट पूरा करना होगा, और इनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं। स्टीव एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की हालत में नहीं, और स्टार्क ने अंदर जाने से मना कर दिया। तो प्रोजेक्ट रीबर्ट को बचाने कर्नल के मना करने के बावजूद भी पेगी कार्टर उस वेसल में चली गई, और इस तरह इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स में बनी कैप्टन कार्टर द फर्स्ट अवेंजर। कर्नल जॉन फ्लिन को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई कि इतना सारा खर्चा करने के बाद स्टार्क ने एक फीमेल पर सुपर सोल्जर सीरम वेस्ट कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर टू का जमाना है, उस वक्त जबरदस्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन्स को फील्ड पर जाने की इजाजत नहीं थी। अब कर्नल पेगी के खून के सैंपल से सीरम वापस से बनाना चाहता था। अब रिकवरी के दौरान स्टीव ने पेगी को अपने दोस्त बकी बार्न्स के बारे में बताया, जो फिलहाल यूरोप में नाजी से लड़ रहा था। हाइड्रा के लीडर यूहान स्मिथ ने नॉर्वे जाकर टेसरैक्ट को अपने कब्जे में ले लिया। टेसरैक्ट से निकलने वाली गामा रेडिएशन से हार्वर्ड और पेगी ने स्मिथ की लोकेशन को ढूंढ लिया, लेकिन कर्नल जॉन इस मिशन पर अपने कोई भी सोल्जर्स भेजने को तैयार नहीं था। ये सुनकर पेगी को बहुत बुरा लगा। फिर पेगी का हौसला बढ़ाने के लिए हार्वर्ड स्टार्क ने उसे वाइब्रेनियम से बनी शील्ड और कैप्टन ब्रिटेन वाला कॉस्ट्यूम दिया। तो टेक्निकली हम कैप्टन कार्टर को हम फीमेल कैप्टन अमेरिका नहीं बुला सकते, बल्कि वो तो कैप्टन ब्रिटेन है। फिर पेगी कार्टर ने अकेले ही हाइड्रा के कॉन्वॉय पर हमला करके टेसरैक्ट के साथ साथ आरएनएम जोला को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये देखकर कर्नल को जबरदस्ती पेगी कार्टर को कैप्टन का ओहदा देना पड़ा। कैप्टन कार्टर हार्वर्ड स्टैक ने टेसरैक्ट पर रिसर्च करके उसकी मदद से स्टीव के लिए एक मैकेनिकल सूट बनाया, हाइड्रा स्टॉम्पर। फिर कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर ने साथ मिलकर बकी बांस और उसकी टीम को हाइड्रा की कैद से चुरा लिया। इसके बाद कैप्टन कार्टर और स्टीव की जोड़ी साथ मिलकर धड़ाधड़ हाइड्रा का सफाया करने लगे। कर्नल को भी अब कार्टर की फीमेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेसिडेंट खुश तो कर्नल भी खुश। अडॉल्फ हिटलर से स्मिथ की मनमानी देखी नहीं गई। उसने फौरन अपने आदमियों को भेजकर स्मिथ को फौरन बर्लिन आने को कहा, पर स्मिथ अपने आप को गॉड मानने लग गया था। उसने हिटलर के आदमियों को मारकर हाइड्रा की एक सेपरेट टीम बना ली, और तभी हम देखते हैं कि स्मिथ अब रेड स्कल बन चुका है, और अब जल्द ही रेड स्कल स्पेस से बुलाए मॉन्स्टर की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। फिर पेगी और स्टीव प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेकर थोड़ा पर्सनल टाइम बिता रहे थे। फिर तभी वहां स्टार्क आ जाता है उन्हें बुलाने। इन्हें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाइड्रा का लीडर रेड स्कल इस ट्रेन पर सवार था। रेड स्कल को पकड़ लिया तो ये लोग वॉर को रोक सकते हैं। अब हाइड्रा स्टॉम्पर ने उस ट्रेन के आगे आकर उसकी स्पीड स्लो कर दी। फिर कैप्टन कार्टर और बाकी के मेंबर्स वायर के जरिए ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन की तलाशी लेते वक्त स्टीव को पता चला कि ये लोग सीधा हाइड्रा के जाल में फंस गए। रेड स्कल ने पूरी ट्रेन में बॉम्ब लगा रखे थे। इससे पहले कि स्टीव बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर पाए,
ट्रेन में धमाका हो गया। कैप्टन कार्टर बकी और बाकी लोगों ने तो ट्रेन से कूद कर खुद को बचा लिया, पर देखकर लग रहा था कि स्टीव धमाके में मारा गया। स्टीव को खोने के बाद कैप्टन कार्टर ने गुस्से में आर्निम जोला को टॉर्चर करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। जोला ने उन्हें बताया कि रेड्सकल अपने कैसल में टचरा की मदद से किसी स्पेस मॉन्स्टर को यहाँ टेलीपोर्ट करना चाहता है। कैप्टन कार्टर फौरन एक काम चलाओ टीम बनाकर रेड्सकल को रोकने चली गई और स्टार्क भी उनके साथ चला गया। अब कैसल पहुँच कर ये लोग दो टीम्स में बंट गए। कैप्टन कार्टर और स्टार्क रेड स्कल को ढूंढने जाएंगे और बकी गैंग नीचे जाकर हाइड्रा के सोल्जर्स का सफाया करेंगे, लेकिन इनके यहाँ तक पहुँचने में काफी देर हो गई। रेड स्कल ने टेसराट की मदद से पोर्टल को ओपन करके उस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया। फिर उस मॉन्स्टर ने कार्टर की आंखों के सामने ही रेड स्कल को ही मार दिया। नीचे कैसल की तलाशी लेते वक्त बकी को हाइड्रा स्टॉम्पर स्टीव रॉजर्स मिले। स्टीव अभी भी जिंदा है, लेकिन रेड स्कल ने हाइड्रा स्टॉम्पर में लगे टेसराट को निकाल लिया था, इसीलिए ये लोग सूट को ज्यादा देर तक पावर नहीं दे सकते। स्टीव ने पावर जनरेटर की मदद से सूट को काम चलाओ लेवल तक चार्ज किया और कार्टर की मदद करने ऊपर चला गया। कंट्रोल पैनल के सारे कंट्रोल्स जर्मन में होने की वजह से स्टार्क पोर्टल को क्लोज नहीं कर पा रहा था। स्टार्क ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर पोर्टल को रिवर्स कर दिया ताकि वो मॉन्स्टर फोर्स से अंदर चला जाए। पोर्टल के क्लोज होते ही मॉन्स्टर ने जोरदार चीख लगाई और स्टीव रॉजर्स ने फौरन सबको कैसल से बाहर निकाला और पेगी की मदद करने वापस अंदर चला गया। पोर्टल के रिवर्स होने के बावजूद मॉन्स्टर अंदर जाने को तैयार नहीं था। कैप्टन कार्टर समझ गए कि इस मॉन्स्टर से दुनिया को बचाने का बस एक ही तरीका है। उस मॉन्स्टर को धकेलते हुए कार्टर को भी उस पोर्टल के पार जाना होगा। इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को अंजाम देने से पहले कार्टर ने स्टीव से वादा किया कि वो जरूर वापस आकर स्टीव के साथ डांस डेट पर जाएगी। मॉन्स्टर को पोर्टल में धकेलने के बाद पोर्टल क्लोज हो जाता है और वहां स्टीव को टेसराक्ट पड़ा मिलता है। अब हम देखते हैं कि किसी ने टेसराक्ट की मदद से पोर्टल ओपन किया है और इस पोर्टल से पेगी कार्टर बाहर आती है। यहाँ फ्यूचर में निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन टेसराक्ट को टेस्ट कर रहे थे। पोर्टल से बाहर आते ही कार्टर ने इनसे स्टीव के बारे में पूछा। ये सुनकर निक फ्यूरी ने कार्टर को बताया कि वॉर तो 70 साल पहले ही खत्म हो गया। पेगी ने स्टीव को तो खो दिया, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि चलो इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद आखिर वो वॉर तो जीत गए। तो इस तरह से इस यूनिवर्स में निक फ्यूरी को उसकी फर्स्ट अवेंजर मिली और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। तो दोस्तों, ये थी व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस सीरीज में हमें इतना नया कुछ तो देखने को नहीं मिला। कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर है, स्टीव रॉजर्स बन गया है हाइड्रा स्टॉम्पर और बकी बांस विंटर सोल्जर नहीं बना। और इसके अलावा स्टोरी में कुछ भी अलग नहीं था। इस सीरीज की एनिमेशन बहुत अच्छी थी और कुछ डबिंग आर्टिस्ट हमारे फेवरेट एक्टर्स ही थे और एक्शन सीन्स भी अच्छे थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।